व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी होंगे। उम्मीद तो यही है। और वेलकम है सुकरा के किचन में बहुत दिनों के बाद। तो आज ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, ये यकीनन आप समझ ही चुके होंगे, ये मैं आज बना रही हूँ अचार। आम का और मिर्ची का और नींबू का अचार बन रहा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे बनेगा ये। 2 किलो हमने आम ले लिए थे, केरियाँ। ये आपको वहाँ ज़्यादा येलो दिख रही होंगी मगर ये बिल्कुल वाइट हैं, केरी है। 2 किलो हमने ये ले ली थी, धोकर साफ़ करके ये हमने कटिंग कर ली थी। और ये मिर्ची है, मिर्ची जो हैं वो मोटी वाली मिर्ची हमने ली हैं। इनको कट लगाएं, ज़्यादा बड़े कट नहीं लगाएं, हमने इनको लगा लिए थे हाफ। और ये हमारी 1/2 किलो हैं और जो लेमन है वो हमारे 1/2 किलो हैं, 1/2 किलो से 1 पाव ज़्यादा है। तो ये हमारे हो गए कुल मिला के 3 पाव। ये हमारे लेमन है और इनको हमने गोल नहीं काटा, इनको हम सेंटर में से काट के इनके ये पीसेस बनाए हैं। और नमक ले लिया है और ये हल्दी ले ली है, और हल्दी कुछ गिर भी चुकी है। ये 1 टीस्पून हमने हल्दी ले लिए। तो अब हम इनको ये हल्दी और नमक लगाकर इनको रख देंगे। 8 घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट भी आप इनको हल्दी और नमक लगा के रख सकते हैं कि हमारा अचार जो है वो ख़राब ना हो सके, लंबा चले। इसलिए मैं मुकम्मल आपको रेसिपी गाइड करूंगी आपको कि कैसे हमारा अचार सेफ़ रहे, ख़राब ना हो। तो अभी हम इनको खुश कर लिया था, अच्छी तरह आप इनको खुश करें। रहमान रहीम, जो नमक और हल्दी है ये हम केरी को अच्छी तरह से लगा के इसको हम रखेंगे ढककर। 8 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ओवरनाइट रखें ताकि इनमें से पानी निकल जाएगा तो ये आपका अचार जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चल सकेगा। तो इसको हम फिर कवर करके रखेंगे अच्छी तरह से, किसी छोटे बर्तन में डाल के ढक कर कवर करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए। जो लेमन है मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं उनको भी हम लगा देंगे, और इनको भी अच्छी तरह मिक्स करके इनको भी हम ढक कर कवर कर देंगे। ये मोटी वाली लेनी है, बारीक वाली नहीं लेनी है अचार के लिए। तो इनके अंदर भी हम इसी तरह मसाला जो है ये सॉरी नमक और हल्दी जो है वो हम भर देंगे अंदर तक। तो गार्डन में आज हम लोग इसलिए आए हैं कि आप लोगों को गार्डन भी दिखा दें, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो अभी दरख्त पौधे सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हो गई हैं। तो हमने कहा आप लोगों को भी इंजॉय करा दें, थोड़ा सा आप लोग भी देख लो। ये देखें जी, मसाला लग चुका है, हल्दी और नमक मैंने लगा चुकी हूँ इन तीनों चीज़ों को। तो अब आप ऐसे बर्तन में डाल के इनको ढक के रख दूंगी ओवरनाइट। जी हमने वो निकाल लिए हैं केरियाँ और हरी मिर्चें, और ये देखें ये कितना सारा पानी निकला है। तो यही अचार को ख़राब करता है, ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको फेंक देते हैं। और बाकी इसको हम थोड़ी देर पंखे पे इसे किसी खुले बर्तन में हम इनको फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर हम आगे की चीज़ें आपको हमारी आगे की चीज़ें आ गई। फ्राई पैन हमने एक ले लिया है, तो ये हमने ले लिए हैं सौंफ, हमारे 100 ग्राम है ये हमने ले लिए। इनको हल्का सा हम करेंगे रोस्ट, और सौंफ हमने ले लिए 100 ग्राम, और 50 ग्राम ये हमारा ज़ीरा है ये भी हम ऐड कर देंगे। 100 ग्राम ये हम सूखा धनिया ले लेंगे, और इन मसालों को हम हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि जो हमारे ये सारे मसाले हैं, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं तो इनमें थोड़ी नमी होती है, तो ये इनकी नमी दूर करनी होती है कि हमारा अचार जो है वो 1 टेबलस्पून है वो हम ऐड करेंगे। 100 ग्राम ही हमारा ये मेथी दाना है, ये देखें ये भी हमने ले लिया। 25 ग्राम हमारा राई दाना है ये हमने ले लिया है,
अब हम सारे इन मसालों को करेंगे रोस्ट और बहुत ही खुशबूदार। और अब हम इन सारे मसालों को बिल्कुल स्लो आंच पे थोड़ा सा इनको भुनाई करेंगे इनकी, के नमी दूर हो जाए। और ये बहुत ही मेन चीज़ें हैं, बहुत खुशबूदार और मज़ेदार आप लोगों का अचार बनता है। तो ये हम सारी चीज़ें मिक्स करके इसको फ्राई हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, बहुत खुशबू आ रही है पूरे घर में। बस इनकी नमी दूर हमने करनी है और नमी दूर करके फिर हम इनको थोड़ा ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद फिर हम आगे भी आपको चीज़ें बताएंगे। और वीडियो पूरी देखिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा ताकि आप लोगों को एक भी चीज़ जो है वो मिस ना हो और आप लोगों का अचार जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और मसाले को हमने ठंडा कर लिया है, तो अभी ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम ये चट्टू के अंदर हम लोग अभी इसको पीस लेंगे। ये हम दौरी के अंदर डाल के और इससे हम लोग पीस रहे हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस तरह का हमने ये प्लास्टिक का एक डिब्बा ले लिया है ढक्कन वाला, तो इसको हमने धोकर अच्छी तरह खुश कर लिया है। तो अभी केरियाँ और ये हरी मिर्चें वो हमने ऐड कर दी, जो मसाले अभी मैं पीस के लाई हूँ तो वो अभी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो लेमन रखे हुए थे वो भी हम ऐड कर देंगे। ये कलौंजी है, कलौंजी को हमने जो है वो रोस्ट नहीं किया क्योंकि ये पहले ही खुश्क होती है। और ये हमने ले ली 3 टेबलस्पून, 3 से 4 टेबलस्पून बहुत है, तो ये हम ऐड कर देंगे। तो मिर्ची जो है ये हमारी 1 प्याली है, ये वज़न में तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा होगी। 4 से 5 टेबलस्पून हमारी हल्दी है। नमक जो है वो हम थोड़ा इसमें ज़्यादा, कम ज़्यादा नहीं करना होता क्योंकि नमक सही रहेगा तो हमारा अचार भी सही रहेगा। तो ये हमने 1 प्याली भर कर नमक ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ढक्कन लगा कर। फिर आप इसको, अब हमने अच्छे से मिक्स किया है तो अब हम इसमें तेल शामिल करेंगे। और आप लोगों को छोटे छोटे टिप्स दे दूँ कि गीला 1 तो चम्मच नहीं इसमें डालना। और तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल जो है वो हमारा खालिस, ये देखें चमकदार फ्रेश हमने लिया है साफ़ सुथरा, और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार हम लोग अचार बनाएंगे घर पे। और यकीनन अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसी तेल में, इन चीज़ों में, तो और अच्छे से आप लोगों का अचार जो है वो चलेगा। तो अभी हम इसको ढककर, ढक्कन लगाकर रख देंगे। और फिर उसके बाद हम इसको रोज़, हमारी अभी तो धूप नहीं है, बारिशें हो रही हैं, तो जब धूप होगी तो इसको रोज़ाना हम धूप पे रखेंगे ढक्कन लगाकर इसे, और थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखेंगे और इसको हिलाएंगे ढक्कन लगाकर। ढक्कन लगा वही होगा तो आप इसको हिलाते रहेंगे तो ये जो है वो अच्छे से हिल जाएगा। तो इसी तरह आप इसे ढक के रख दें और ये आप लोगों का बहुत अच्छे से अचार जो है वो सेट हो जाएगा। ये देखें अब मैंने इसको मिक्स किया है और ऑयल जो है वो इसमें और हम शामिल करेंगे तो वो डालकर फिर इसे ढक देंगे। तो आप लोगों का यकीनन अचार बहुत अच्छा बनेगा और लंबा चलेगा, तो ज़रूर बनाएंगे। आप इसी तरह बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा और ख़राब नहीं होगा, लंबे अरसे तक चलेगा। इस तरह का आप लोग बर्तन ले लें या कोई भी प्लास्टिक का ले लें, जैसे आपको सही लगे उसमें आप लोग इसको बना के रख सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी टिप्स आप लोग फॉलो कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा किसी भी चीज़ को। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो जो मैंने आप लोगों को टिप्स दी हैं वो आप फॉलो कीजिएगा। तो अचार की रेसिपी उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।
बहुत शुक्रिया। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।